और हे प्रभु तुम तो तुमी तुमसे निराला कौन है, और जो भेद पाले आपका वो पाने वाला। हेलो हेलो और माँ बीच में माँ मेरे करो कंठ पे लेना पहलवान जी।
संसार में खुशहाल हर इंसान हमको चाहिए। अरे सबके चेहरों पे यहाँ और मुस्कान हमको चाहिए, इस शोरगुल में शांति का। अरे यहाँ शोरगुल में शांति का और दान हमको चाहिए। अरे आप सभी से प्यार और सम्मान हमको। परम आदरणीय जनता जनार्दन, जनता में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गण एवं सम्मान करने को बड़े भाई बात है। एवं मेरा सामने वाला अखाड़ा और मंच पे बैठे हुए हमारे सम्मानीय आदरणीय जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, सभी के चरणों में अपने छोटे से अखाड़े की तरफ से अपना सर झुकाकर नमस्कार और राम राम। अभी आपने नंबर सुना बड़े भाई ओमवीर शर्मा जी की तरफ से, चौरी भाड़ो तो है बालक बंद कर वही बड़ी पर रही है। एक बात बता, चाहे मोर राशन ना है कछु और कट जावे, अब तुम्हें ही बताइयो मो पे चार छोई रह गई है, मैं बालक बंद करके दूंगा। बता सही बताइयो, कर दियो कोई बंद कर दियो ना और जो बता आनंद ते बालक ने को का मतलब न कर रो है। आनंद ते रात भरे बालक ने करवे का जी आनंद लाओ जान तो है। तू बाकी चिंता मत करे, जितो ईश्वर के हाथ में के छोरी होगो के छोरा होगो बालक चारे होंगे के दो होंगे, तू जाकी चिंता मत करे। शंभू बागड़े आनंद रात बदले हो माने को काउकिन देखेंगे। शुरुआत मेरी तरफ से, इनका छंदा आया गोई अर्जुन है, बातों को ज्यादा लंबी न करते हुए इनका जवाब सुनिएगा मेरी तरफ से। गुरु विजेंद्र प्रधान जी जीपी शर्मा जी की तरफ से देखेंगे शुरुआत किस तरीका से। इधर से आया अब अर्जुन का जवाब सुनिएगा अलीगढ़ वालों। अब यो रहे वीर की वीरता, कोई रहे वीर की वीरता, देख दए हैं कलेजा एक कलाकारी दारी भैया ने चौहान धर्म की करे यहाँ पे, यानी चौहान एक बिरादरी होती है और
दूसरी लाइन में कह रहे हैं बेसर पैर यानी श्रृंगार चल रहा है, गहने बेसर। अब सुनिएगा मेरी तरफ से, अरे कोई बात, अरे देखे बात बनाऊ नाऊ। उधर से कह रहे हैं चौहान, अब मेरी तरफ से बराबरी घट रही है, सुनिएगा, अरे बात बनाऊ बात न समझे, अरे कोई बात बनाऊ, ए अलीगढ़ वाले, अरे कोई बात बनाऊ और ये बात न समझे, अरे ये बात बनाऊ बात न समझे, अरे कीने खूब इशारे हैं, अरे कीने खूब इशारे हैं, और देख बेशक हुआ, अरे जे बात बन हुआ बात न जाने, अरे जाते कीने खूब इशारे हैं, अरे बेशक, अरे बेशक खूब करी रखवाली बाली, अरे बेशक खूब करी रखवाली, और तौ चीर कले जाए भीकम रसिया जी की तरफ से। एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान दे दिया जाए रसिया जी को। अरे हमसे लड़ना नहीं सुखारी, हमसे समर में भारी जीतो, युद्ध समर में भारी जीतो, युद्ध समर में भारी कोई तुम्हें मेरो ये समझानो है, और ओ मीर मामा जी, अरे कमरे कौननी रण में कस गई, अरे कमरे कौननी रण में कस गई, एक न बच के जानो है, अरे कौननी रण में कस गई, एक न बच के जानो है,
गई थी। और इस नाइयों की सदा कह रही है, गुरु गाने का सबका अलग तरीका हुआ करता है। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चाह पे फलक से बढ़िया गई है। बेटा ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे अनिल प्रधान जी गिलौंदपुर वालों की तरफ से कहना चाहे। और दूल्हे का सहना सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। इधर से बात आई, अरे ब्रज में लीला रची तमाम कन्हैया ने, क्यों कर की ना ऐसा काम कन्हैया ने, अरे जल का लोटा लेकर रुक्मणी खड़ी रही, अरे जल का लोटा लेकर रुक्मणी खड़ी रही। सुन संतोष भैया, संतोष भैया जी अखाड़े बंदी भाई बात न चलेगी, दसकों नोट न ले शंभू आगड़े। और ये 100 रुपए का पुरस्कार, हेलो 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बहुत ही लाडले अमीर प्रधान जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना। अब कहना क्या दे, अरे जल का लोटा लेकर रुक में खड़ी रही, और क्यों असुओं से धोए पाम कन्हैया ने, यही बात थी। फैसला आप लोग करते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान का रूप हुआ करती है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। और फर्द बावड़े को बावड़ो है, क्या बात है। इसी बात पे खुश होकर के 50 रुपए के पुरस्कार प्रधान पद के प्रतिनिधि करील की तरफ से पूरन सिंह जी, उनकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आता है। उनके लिए बार बार कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं। देख ये कार्यक्रम मैंने सुना, शायद गौशाला का उद्घाटन हुआ है। हाँ जी, गौशाला का उद्घाटन होने वाला है, तो चल लाइन ओम मीर भैया, आप सिर्फ बालक बंद करवा सकते हो। और भाड़ो सुने धर्मेंद्र जे जा, ओम मीर भैया की नसबंदी करेगा मानेगी, और जुना नहीं बालक बंद कैसे जुना है रे, एक ही कारण से ऐसा कहता है, ओम मीर भैया ही नसबंदी करवाएगा। दिल से लगाव हो भक्ति और भाव हो, अरे दिल से लगाव हो भक्ति और भाव हो, दिल से लगाव हो भक्ति और भाव हो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे अमर सिंह डावर जी बंबई वालों की तरफ से आशीर्वाद की कामना दे। अरे दिल दिल से लगाव हो भक्ति और भाव हो, भेदभाव दिल से निकालना जरूरी है, भेदभाव दिल से निकालना जरूरी है, भेदभाव दिल से निकालना जरूरी है। और देख हार हो या हार हो या जीत हो, प्रेम हो या प्रीत हो, हार हो या जीत हो, प्रेम हो या प्रीत हो, हत्या हो किसी की पर टालना जरूरी है, हत्या हो किसी की पर टालना जरूरी है, हत्या हो किसी की पर टालना जरूरी है।
जरूरी है। और अरे अपने चरित्र को, अरे अपने चरित्र को पुत्रों और मित्र को अच्छे संस्कारों में ढालना जरूरी है। अच्छे संस्कारों में ढालना जरूरी है। अच्छे संस्कारों में ढालना जरूरी है। अरे अच्छे संस्कारों में ढालना जरूरी है। और सबसे एक निवेदन करूंगा, अगर लाइन अच्छी लगे शंभू बागड़े की, जो गौशाला का यहाँ उद्घाटन होने वाला है, अगर लाइन अच्छी लगे तो सबका प्यार चाहूंगा, तालियों का, क्योंकि कलाकार की बैटरी चार्ज होती है और कुछ नहीं। अच्छे संस्कारों का ढालना जरूरी है। अरे अच्छे संस्कारों का ढालना जरूरी है। अरे काम भी अच्छा हो, अरे काम भी अच्छा हो, गौ माता की रक्षा हो, और खूंटा एक, अरे खूंटा पैर एक गाय पालना जरूरी है। खूंटा पैर एक गाय पालना जरूरी है। और देखिए ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे बलदेव फौजी देते हैं और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे नैना पहल पहलवान देते हैं। धन्यवाद। अब कहना है इनका जवाब सुनिएगा, रुकमिणी के जल से क्यों नहीं पाम धोए कन्हैया ने, क्योंकि त्रेता में भगवान राम जब जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने एक वरदान मांगा कि प्रभु आप इस युग में मेरे लिए रोना मत, क्योंकि आंखों का पानी थोड़ा खारी होता है और घाव अगर मेरे घावों पर गिरेगा तो मुझे जलन होगी, तो इसीलिए जटायु बनाए द्वापुर में सुदामा और उस त्रेता का कर्ज वहां अदा किया है। तो कहना है ओमीर भैया, अरे रच के लीला कर दयो नाम कन्हैया ने, कन्हैया ने रच के लीला कर दयो नाम कन्हैया ने, कन्हैया ने अरे पूरा कर दिया परिणाम कन्हैया ने, लीला रच कर नाम किया है कन्हैया ने, कन्हैया ने अरे पूरा कर दिया परिणाम कन्हैया ने। अरे त्रेता में ना रोए राम जटायु पे, त्रेता में ना रोए राम जटायु पे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक ढोलक वाले भैया के लिए, हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र जी जो ये स्टूडियो चल रहा है। एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से सम्मान हो जाए भैया का। रच के लीला कर दयो नाम कन्हैया ने, कन्हैया ने अरे पूरा कर दिया परिणाम कन्हैया ने, अरे त्रेता में ना रोए राम जटायु पे, अरे त्रेता में ना रोए राम जटायु पे, त्रेता में ना रोए राम जटायु पे। अरे त्रेता में ना रोए राम जटायु पे, द्वापुर में धोए देखो बप्पा कन्हैया ने, कोरी यानी कोरिया। अरे देख कोरी, अरे कोरी क्यों बकवास करे तू, अरे मेरे कर्तव्य नहीं निहारे हैं, और मेरे कर्तव्य नहीं निहारे हैं, और चुटकी जैसी जान है तेरी, और यहाँ खिंचे जंगों के तारे हैं। Hey!
सुल्तान पोइया रे जोरे और ओमीन भैया जे बालक बंद करो बहुत पुरानी बात है गई ने लगाई है ओमीन भैया एक गाना तहलका कर रहा है आजकल राजी बोल जा डली में तेरी लादू पाजेब राजी बोल जा ओम वीर भैया से पूछना मेरा ये शायद आपकी समझ में ना आया हो
इनसे पूछना मेरा ये कि किस नदी का पानी खून बन के बहा, तब देख किस नदी का ओ किस नदी का बना है खून पानी लस, किस नदी का बना है खून पानी ला, खोज सायर ढूंढ के ए, सायर ढूंढ के है किसकी ये कहानी ला, खोज सायर ढूंढ के। और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बालक को इंतजाम कर दूं भैया, तो हाथ ने तो हाथ तो ना खड़े कर दे, करो कर दूं तो ना लगाइयो मामी ने भैया, तो अब कैसे नादान बालक बंद करो, हम बताएंगे तक बालक कैसे बंद होगा। प्रधान जी कहते हैं चोरी देखा मैंने बालक कोई बंद करवा रहा हूँ, चिंता मत करे चाहे राशन न मिले चाहे नौकरी न लगे, अरे बालक जने कोई जेठ के ऊपर वो एक कहावत है, जब मैं जनू मैं तो पैदा करूंगा तो मेरी गारंटी है, वो ना कही तो जिम्मेदारी, तू कैसे पीछे पीछे घिस रही है बाबा, हड़ो इधर है बोले के आ जा। एक दिन लेंगे मेरी जान के। उधर से कह रही है मैडम कपिया सारी सारी रात मत आनंद करो, कपिया सारी सारी रात मत आनंद करो, आनंद करो। और देख सुने जे आनंद करवे का जी 200 रुपए का पुरस्कार राजू और गुड्डू भैया की तरफ से, गुठलीपुर वालों की तरफ से आशीर्वाद की कामना, और जिन्हें और कहेंगे खूब आनंद करो बालक हो चाहे न हो, बालक तो पे हाथ में होते ना, मेडिकल बनो का ही चिंता कर रही है भैया, मेडिकल बनो तू चिंता मत करे, बालक ने की बालक न होंगे पर आनंद मंद बंद मत करे बाबे, आदमी ब्याह का एक ऊपर तो जई के ऊपर तो टकीरो है। कपिया सारी सारी रात मत आनंद करो। और हमारी बहन जी जो आगरा से, हकीकत बात है जो रसिया सुनने के लिए हर जगह पहुंचती हैं, मैं दिल से प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं मंच पे आ जाइएगा, मंच पे बैठिएगा, अब कहना है मेरी तरफ से, जवाब सुनिएगा अच्छा लगे तो सिर्फ चार चाहेगा ये शंभू बागड़े, सीधी सी बात है काऊ पे चार छोरी है जाए तो बालक बंद ना कर सकत हुई, ट्राई मारेगा जब तक लोना ना है जागो जब तक, तो सुन धन्यो के जामे बिगड़ सभी हालात न बंद आनंद करूं, के जामे बिगड़े सब हालात न बालक बंद करूं, किच्छा में बिगड़े सभी हालात ना आनंद बंद करूं, ना आनंद बंद करूं, और के जब तक हाँ भैया ये तो वही बेटा है तू,
कि जब तक लौड़ा न दे दूं तेरे हाथ। भाई चार छोरी हैं और जब तक तेरी गोदी में जब तक छोरा ना आवे वो जब तक बन आनंद बंद कैसे कर दूं। सही बात है कि नहीं? कि जब तक लौड़ा न दे दूं तेरे हाथ न बंद आनंद करूं। जब तक लौड़ा न दे दूं तेरे हाथ और के बंद बंद चालू ईश्वर के हाथ। हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ये बच्चे और बच्ची देना उस परमात्मा के हाथ में। के बंद चालू ईश्वर के हाथ न बालक बंद करूं। के बंद चालू ईश्वर के हाथ न बालक बंद करूं। अब देख चार चार छोरी है घर में, चार चार छोरी है घर में, जिया देख चले गो। चार चार छोरी है घर में, जिया देख चले गो। चार चार जे शंभू बाबर हो बेटा, ज्यादा ना मूड में हो तो का तो सामने वाले का मूड काम नहीं करता। चार चार छोरी है घर में, और जो बता तू जान लिया ढेरे से पीट रही है जो ओम भीर भैया तो माने ही ना है। दुआ छोई ने बाद फिर छोरा का ही करो बंद करवाए दे दी ने पे आप वो मान नहीं ना है, आप तो रोज बनाए रही है बाल करने दे। अरे चार चार छोरी है मो पे, चार चार छोरी है घर में, दिया देख जले गो। चार चार छोरी है घर में, जिया देख जले गो। जिया देख चले गो। अरे बिन बेटा के मोए बता दे कैसे मेरा नाम चले गो। शंभू बागड़े छोटो शंभू बागड़े चाहिए के ना है। और तू सुने बिन लौड़ा के मोए बता दे कैसे तेरो काम। जब बिना लौड़ा के तेरो तो काम ना चल सके तू। बिन लौड़ा के मोए बता दे कैसे काम चले गो। के सबरी बिगड़ जाएगी बात में रात बुलंद करूं। के सबरी बिगड़ जाएगी बात मैं रात बुलंद करूं। एक बार निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, एक बात बहन जी के लिए जोरदार तालियों से सम्मान। आगरा से आई हैं, देख ले वो कहां है भाड़ो, देख ले जेहू औरतें बार बार छाती है पीछे कर रही है। बंदा आनंद करो, दायरी बिल्कुल ना करूंगा जब तक कम से कम 50 साल ही उम्र तक कैसे कर देगा कोई बंदा आनंद ने दे। सबरी बिगड़ जाएगी बात में रात बुलंद करूं। के सबरी बिगड़ जाएगी रात में रात बुलंद करूं। के सबरी बिगड़ जाएगी बात में बात बुलंद करूं। ओ देख जब तक लौड़ा न दे दूं हाथ न बालक बंद करूं। मोमिन भैया एक रसिया और चल रहा है इधर से, सुनिएगा मेरी तरफ से बंसी वाले से लगाया इधर उन्हें। और ये 21 रुपए का पुरस्कार भैया जी फौजी जी की तरफ से आता है, उनके लिए बार बार धन्यवाद।